नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। ठीक है जी, जो कि परिवार पहचान पत्र के फैमिली आईडी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। क्यों आपके राशन कार्ड कटे हैं, फैमिली आईडी वाले सभी देखें, इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, कहां से किया जाएगा, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली आपको देंगे। ठीक है जी, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। ठीक है जी, इसमें देख रहे हो, देख सकते हो आप, फैमिली आईडी में यानी कि परिवार पहचान पत्र में आय अधिक शो होने पर कटे राशन कार्ड, लोगों ने किया प्रदर्शन। फैमिली आईडी में जो आपकी फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र, ठीक है जी, परिवार पहचान पत्र में सबसे ज़्यादा इनकम शो हो रही है। जो बंदे गरीब हैं या तो बिल्कुल ऐसे कह सकते हो मिडिल क्लास से भी डाउन है, तो उनकी 3-3 लाख 5-5 लाख इनकम शो हो रही है। जिनके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है, उनको गवर्नमेंट जॉब पर दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, अलग अलग पॉइंट हैं जिसके स्तर पर फैमिली आईडी में मिस्टेक्स हैं, और लोग चक्कर काट काट के तंग आ चुके हैं। तो आखिर में लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। कहाँ पर है जी, ये देख सकते हो, जठराणा में है ये प्रदर्शन, फैमिली आईडी के रिलेटेड किया गया है। ठीक है, फैमिली आईडी में संशोधन के लिए गांव स्तर पर कैंप लगाने की मांग की है। भी हमारे गांव में कैंप लगाए जाए, बार बार शहर में जाकर फैमिली आईडी को सही करवाना पड़ रहा है। ठीक है जी, फैमिली आईडी में आय शो होने के कारण कई गरीब परिवारों पर रोजी का संकट गहरा हो गया है। मतलब क्योंकि उनके परिवार में कोई ऐसे भी बंदे हैं, दिहाड़ी करने वाले हैं, रेडी लगाने वाले हैं, तो उनकी इनकम 5-5 लाख वेरीफाई कर रखी है, तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। और जिनके परिवार में मान लीजिए उनके सरकारी नौकरी भी है और वो खुद भी 25-25-30-30 हज़ार सैलरी ले रहे हैं, तो उनको राशन भी मिल रहा है, सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो इस कारण लोगों ने रोष जताया, प्रदर्शन किया है। सही में जो सरकार की सुविधा के हकदार हैं, वे उनके राशन कार्ड कट गए हैं। फैमिली एड में आय ठीक करवाने के लिए गरीब परिवार के लोग अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर उन्हें कोरा आश्वासन ही मिल रहा है। गुस्साए में लोगों ने सोमवार को वीडियो कार्यालय में प्रदर्शन के खिलाफ रोष प्रदर्शन पर नारेबाजी की। रोष प्रदर्शन कर रहे निवासी नूरी अफतरीब और लाजो निर्मल श्रीपाल अनिल लक्ष्मण का कहना है कि वे गरीब परिवार से हैं, मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, मकान भी कच्चे हैं। वह पहले भी बीपीएल की श्रेणी में आते थे और डिपू से सस्ता राशन मिलता था, लेकिन अब फैमिली आईडी के चक्कर में आय आमदन से कई गुना अधिक दिखा रखी है। क्योंकि जिनकी एक बार 5 लाख वेरीफाई होगी, उनको बार बार चक्कर कटने पड़ते हैं, तो प्रशासन से आश्वासन ही दिया जा रहा है। उन्हें अब राशन नहीं मिल पा रहा, राशन न मिल पाने के कारण से भूखे रहने तक की नौबत भी आ चुकी है। फैमिली आईडी, क्योंकि आपको पता है फैमिली आईडी में अधिकारियों ने बैठे बैठे कर दिया, और फैमिली आईडी को घर घर आकर वेरीफाई नहीं किया, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। दिहाड़ियाँ छोड़ छोड़ कर लोग अपने फैमिली आईडी से करने के चक्कर में घूम रहे हैं। ठीक है, और भूखे रहने तक की नौबत आ गई है। फैमिली आईडी में आय ठीक करवाने के लिए मजदूरी छोड़कर 2 माह से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आय अभी तक ठीक नहीं हो रही, उन्हें कोरा आश्वासन ही मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन को चाहिए वे गांव स्तर पर कैंप लगाकर गरीब लोगों को इन समस्या का जल्द से जल्द निपटारा करें, ताकि गरीबों को राशन कार्ड मिल सके। अब उम्मीद है जी फैमिली आईडी के गांव स्तर पर भी कैंप लगेंगे। पहले अनाउंस किया गया है, बट अभी तक कैंप लगने शुरू नहीं हुए हैं। तो ये लोगों ने जठलाना में प्रदर्शन किया वीडियो ऑफिस के सामने, तो मांग की है भी कैंप लगाए जाए गांव-गांव में, हमारे सही किए जाएं, क्योंकि वीडियो ऑफिस के सामने लाइनें भी बहुत लंबी लगती हैं, बहुत लंबी लाइनिंग में खड़कर लोगों को फैमिली आईडी सही करवानी पड़ती है। तो मजदूर लोग अपनी मजदूरी छोड़कर भी आते हैं इस चक्कर में। अब फैमिली आईडी के चक्कर में उनके राशन कार्ड भी कईयों के कट चुके हैं, जो पहले से कई सालों से राशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से, उनका राशन भी कट चुका है।
ठीक है जी, ये आज की अपडेट है। अभी आने वाले टाइम में आपके गांव स्तर पर भी कैंप लगेंगे, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो अपने अपने अपनी फैमिली आईडी गांवों में सही जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि कईयों की ऐसी है जिनके बीपीएल कार्ड कट चुके हैं, कईयों के बिना मतलब बन चुके हैं। तो कृपया करके अपने फैमिली आईडी के जो तीन विभाग गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो तीनों विभाग अलग अलग तरीके से आपकी इनकम वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, इनकम वेरीफाई करके अपनी इनकम दोबारा करेक्ट की जाएगी। उम्मीद करते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।